Hello friends, our today's topic is National Population Register, that is NPR, Rashtri Janganna Register, National Population Register. So it is maintained by Registrar General of Citizen Registration. So NPR is basically an inventory. It is a list of all the people who are residing in India, yani Bharat mein rehne wale jitne bhi rehwasi Bharat mein reh rahe hain, NPR mein unka panjikaran hota hai. Yani agar hum finer lines ki baat kare, so NPR consist of citizens as well as non citizens living in India. Yani NPR mein Bharat mein rehne wale nagrik ka bhi ullekh rehta hai aur Bharat mein rehne wale rehwasiyon ka bhi ullekh hota hai, bhale hi ve Bharat ke nagrik na ho. Now the legal basis of NPR is the Citizenship Act 1955. 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है वो है इसका basis है, and it has been amended in 2003. Citizenship Registration of Citizen and Issue of National Identity Rules 2003. और 2003 में जो इसका amendment हुआ, ये मिलकर इसको एक legality प्रदान करते हैं. और from December 2019, Union Government has approved अराउंड 3,941 करोड़, लगभग 3,941 करोड़ पे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, जिससे अब इंडिया में एनपीआर का काम आगे होगा. और अगर हम एक बात करें एनपीआर और जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन, तो पहली चीज़ तो ये है कि एनपीआर इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वेस्ट, एंड ऑन द अदर हैंड NRIC दैट इज नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ इंडियन सिटीजन. तो एनपीआर में नागरिक और गैर नागरिक दोनों का उल्लेख रहता है. एनपीआर कंसिस्ट ऑफ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, ये दोनों वर्णित होते हैं, जबकि नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन कंसिस्ट ऑफ ओनली इंडियन सिटीजन. नंबर टू, एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप एंड NRIC या NRC इज द नेक्स्ट स्टेप. पहला कदम एनपीआर है और द्वितीय कदम NRC है. तीसरा इसमें डिफरेंस है कि NPR, इन NPR नो प्रूफ्स आर सॉट आफ्टर एज सच. NPR में किसी भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन NRC के लिए प्रूफ्स की आवश्यकता पड़ती है. सो टू कंटिन्यू विद NPR, इफ ए रेजिडेंट, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ सिटीजन वर्ड नहीं है, इफ ए रेजिडेंट ऑफ ए लोकेलिटी इज लुकिंग इन ए लोकेलिटी फॉर लास्ट एट लीस्ट 6 months एंड इफ ही प्लान्स टू कंटिन्यू फॉर अनदर 6 months, सो हिज नेम आर इंक्लूडेड इन NPR. कोई रहवासी पिछले कम से कम 6 महीने से रह रहा हो और आगे भी 6 महीने से ज़्यादा उसको रहने की अगर वो आशा रखता हो, तो NPR में अपना नाम दर्ज करा सकता है. सो NPR will seek the verification of biometric from Unique Identity Authority of India, UIDAI. और पूरे देश में NPR मेंटेन किया जाएगा असम को छोड़कर. NPR will be throughout the country except असम. और those who are having आधार will not ask to give biometric for NPR. जिनके ऑलरेडी आधार हैं उनसे NPR में बायोमेट्रिक नहीं लिया जाएगा. फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब NPR होगा तो इसमें बायोमेट्रिक डाटा भी होंगे और इसमें डेमोग्राफिक डाटा भी होंगे. NPR कंसिस्ट ऑफ डेमोग्राफिक एज वेल एज बायोमेट्रिक डाटा, बट दोज हु आर हैविंग वैलिड आधार फॉर देम नो बायोमेट्रिक डाटा विल बी कलेक्टेड. और इसमें करीब 15 डेमोग्राफिक पैरामीटर्स पूछे जाएंगे, और जो डेमोग्राफिक पार्टिकुलर्स हैं लाइक नेम ऑफ द पर्सन, रिलेशनशिप टू द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी जो फैमिली और हाउस होल्ड का मुखिया है उससे इनके क्या संबंध है, देन इनके फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर मैरिड है तो स्पाउस नेम, यानी पति है तो पत्नी का नाम और पत्नी है तो पति का नाम, सेक्स यानी जेंडर जिसको कहते हैं, क्या लिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, अगर मैट्रिक पास की है तो वो, शादीशुदा है तो वो पैरामीटर, अगर परमानेंट एड्रेस है तो वो, अगर कुछ ऑक्यूपेशन करता है तो वो, अगर कुछ शिक्षित है तो उसकी जानकारी, ये सारी जानकारी ली जाएगी NPR में और ली जाती रही है. तो ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डाटा बेस बनाता है गवर्नमेंट को, और जिससे भारत सरकार को मदद मिलती है ये जानने के लिए कि भारत में कितने तरह के जेंडर के लोग रहते हैं, कितने उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं. तो गवर्नमेंट को डेमोग्राफिक एक क्लैरिटी मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. सो अब NPR का काम जो है ये सेंसस के साथ ही स्टार्ट होगा, और दिस विल बिगिन फ्रॉम अप्रैल 2020 टू सितंबर 2020, यानी अप्रैल 2020 से ये काम स्टार्ट होगा, सितंबर 20 तक स्टार्ट रहेगा ये.
मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर लगभग 6 महीने एनपीआर का काम चलेगा असम को छोड़कर। और फाइनली इसके जो डाटा आते आते हैं लेट अस होप कि 2011 तक इसके पूरे डाटा आ जाएंगे। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ एनपीआर। अब एनपीआर का ही एक नेक्स्ट स्टेप है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। सो एनआरसी आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।